सी जगह ऐसी है जहाँ पे अपने हक के लिए नहीं उठते हैं। हम पांच पे जाते हैं फुटबॉल खेलने हम एक लेन में घुस गए, ये रक्षक आई और जिप्सी आई, गन दिखाया हमें, हमने बोला हमने क्या किया, बोला वो नहीं हमें पता है, लेकिन आप हम उधर ही रुके, हम भाग भी सकते थे, उन्होंने बहुत गन निकाले, सबों ने गन निकाले और हमारी तरह चाय पी रहे थे, अभी नमाज पढ़ के आए, कॉलोनी में आए, बाहर निकले, कॉलोनी में आए, उठाए केपी वालों ने, किया क्या उन्होंने, 13 साल का है, 12 साल का है, एक 8वीं पढ़ता है, एक 7वीं में पढ़ता है, बेगुनाह बच्चों को लेते हैं, हम क्या करेंगे, हमारी कश्मीर का क्या हो गया, हम इनको क्या हो गया, आप बताए हमें हमारा कसूर क्या है, आर्मी है यहाँ पे, आप आर्मी से पूछे कि ये क्या पथराव कर रहे हैं, आर्मी मजबूर करते हैं हमें, हमारे पड़ोसी है उधर, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बड़े नहीं है, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, घरों में बंद है और कहाँ जाएंगे, और 3 महीने हो गए इन बच्चों को घर में बंद है, चाहे आर्मी वाले चाहे कश्मीर पुलिस वाले एक जैसे सब, ये आपस में भाई भाई है ना, पथराव यहाँ कोई नहीं करता है, जब लड़कों को ले जाते हैं पथराव कौन करेगा, यहाँ पे शाम को आ जाते हैं, रात को मारते हैं औरतों को, पथराव कौन करेगा, हम के डर के मारे बच्चों को बाहर भी नहीं निकालना पड़ता है, बच्चों को कैसे निकालेंगे, लड़के कैसे निकलेंगे, कौन पथराव करेगा, इतने छोटे बच्चे थे, क्या पथराव करेंगे, हमारे चारों तरफ आर्मी है, वो भी इतना बड़ा पिकट है, यहाँ चौक है, यहाँ पर भी आर्मी है, इधर भी आर्मी है, जुल्म है, जबर है, कश्मीर में, कश्मीर में, छीन के लेंगे आजादी, लड़ के लेंगे आजादी, और चलेंगे आजादी, हम हमारा आजादी, अभी आप जाओगे पुलिस स्टेशन, हाँ और क्या करेंगे, हम घर में बैठे थे 1 बजे तक, जब हमने फिर चाय वाय पी, हम 5 बजे जाते हैं फुटबॉल खेलने हम एक लेन में घुस गए तो इसका दो आ गया, वो दूसरी लेन में घुस गए, उधर से ये रक्षक आई और जिप्सी आई, तो हम जल्दी दौड़ गए दो की तरह, हमने सोचा हमें बचाएगा, वहाँ से वो आए, गन दिखाया हमें और दो को धक्का दिया तो बोला आप ही हो, हमने बोला हमने क्या किया, बोला वो नहीं हमें पता है, लेकिन आप हम उधर ही रुके, हम भाग भी सकते थे, उन्होंने बहुत गन निकाले, सबों ने गन निकाले और हमारी तरह की 10-12 उन्होंने हमें लिया तो उधर बैंकर के पास दूसरी गाड़ी को भरा, उन्होंने एक बात नहीं सुनी तो दूसरी गाड़ी को भरा तो फिर लिया उधर थाने में, तेरे वीडियो में होंगे तो इनको लॉकअप में भरो, अगर नहीं होंगे तो फिर कन्फर्म कर लो ये होते हैं, ये पथराव करते हैं या नहीं, तो फिर हमें वीडियो दिखाया उधर, उसमें हम नहीं थे तो फिर 2-3 बार वीडियो देखा इन्होंने, हम नहीं थे उसमें, तो फिर मेरा मामू आया और पेरेंट्स आ गए तो उन्होंने हमें लिया, उन्होंने ऐसा भी बोला कि साहब को लग गया, साहब खुश हो गया, मगर ये नहीं है, मतलब जो ये है ऐसे चू वो खुश हो गया, एक ने बोला कॉन्स्टेबल ने, ऐसे जो खुश हो गया मगर ये वाले नहीं है, वहीं बंद थे वो छोटे छोटे हमारे जितने, क्या जो बंद थे लॉकअप में, बंद थे हमारे जितने 20-30 लगभग उधर ही बैठे हुए थे।
अंधेरे में थे। बच्चों को पीटेंगे, इनको बोलेंगे ये बेचारों को उतनी, जब उनका इंटरोगेशन करेंगे ये बोलेंगे मेरा बाप भी करता है। ऐसी हालत बन जाती है कभी कभार, इतना प्रेशर डालते हैं यहाँ के बच्चों को, मगर वो भी मजबूर है। केपी भी कुछ नहीं कर सकती, कश्मीर केपी भी कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ के मुलाजिम भी मजबूर हैं, क्या करेंगे, हमारी हुकूमत ही ऐसी है। पाकिस्तान को भी एक तरफा छोड़ो, हिंदुस्तान को भी एक तरफा छोड़ो, हमें अपनी खुद मुख्तारी दे दो, हम जैसे थे हमें वैसे ही रखें, हमारा आर्टिकल 370 वापस करें, बस वही हम इनसे विनती करते हैं, इनसे हाथ जोड़ कर इनको ये करते हैं क्या, हमें हमारा आर्टिकल वापस दे दें। एजुकेशन तो बंद है, ढाई महीने से बंद है एजुकेशन पूरी, ना ट्यूशन, अब प्राइवेट ट्यूशन्स जाते थे वो भी बंद है, उनको भी खोलने नहीं देते हैं ट्यूशन्स। कौन चाहेगा हम अपने बच्चों को भेज दें मरने के लिए? कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे अपने हक के लिए नहीं उठते हैं? किस जगह नहीं, पंजाब में नहीं हुआ था? स्कूल अभी चालू हुआ है आपका? नहीं, स्कूल बंद है। हम दो तीन बार स्कूल भी गए, वहाँ कुछ नहीं था, और एक बार असाइनमेंट दिया, वो हम घर में ही कर रहे हैं। यही बच्चे कल जब उनको इंट्रोगेशन करेंगे, जब उनको, यही बच्चे कल मजबूर होते हैं कि कुछ गलत करें। हम अपनी कश्मीर को एक तरफा देखना चाहते हैं, बस हमारी यही इनसे हर किसी से इल्तिजा है कि हमें छोड़ दो, प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें आज़ादी दे दो।